मदद सबकी करना, चिंता सबकी करना, समय सामान्य रहा हो या फिर चुनौती का काल रहा हो। पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने समाज हित के लिए हमेशा सबको प्रेरित किया, आगे रह करके, आगे बढ़कर के योगदान दिया। जब मोरबी में पहली बार मच्छू डैम की तकलीफ हुई, मैं वहां वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। हमारे प्रमुख स्वामी, कुछ संत, उनके साथ सत्संगी, सबको उन्होंने भेज दिया था और वो भी वहां हमारे साथ मिट्टी उठाने में काम में लग गए थे, डेड बॉडीज का अग्नि संस्कार करने में काम में लगे थे। मुझे याद है 2012 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मैं उनके पास गया। आमतौर पर मैं मेरे जीवन के जो भी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए होंगे प्रमुख स्वामी के पास अवश्य गया। शायद बहुत लोग, कम लोगों को पता होगा, मैं 2002 का चुनाव लड़ रहा था। पहली बार मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था। तो वहाँ दो संत मौजूद थे, मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया। मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पैन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुआ। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था, उस पैन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था, ढंकन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था। मतलब पहले कई दिनों से उन्होंने संभाल के रखा होगा और याद कर करके उसी रंग की पेन मुझे भेजना, यानी व्यक्तिगत रूप से, वरना उनका कोई क्षेत्र नहीं था कि मेरी इतनी केयर कर रहा। शायद बहुत लोगों का आश्चर्य होगा सुन करके, 40 साल में शायद एक साल ऐसा नहीं गया होगा कि हर वर्ष प्रमुख स्वामी जी ने मेरे लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा न भेजा हो। और ये मेरा सौभाग्य है। और हम जानते हैं बेटा कुछ भी बन जाए, कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। देश ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन जो परंपरा प्रमुख स्वामी चलाते थे, पूज्य भगत स्वामी ने भी अब तक वह कपड़ा भेजना चालू है। यानी ये अपनापन, और मैं नहीं मानता हूं कि ये संस्थागत पीआरसी का काम है, नहीं, एक आध्यात्मिक नाता था, एक पिता पुत्र का स्नेह था, एक अटूट बंधन है। और आज भी वो जहां है होंगे, मेरे हर पल को वो नजर करते होंगे, देखते होंगे। बारीकी से मेरे काम को जानते होंगे। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, क्या मैं उसी राह पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, वो जरूर देखते होंगे। कच्छ में भूकंप, जब मैं वॉलंटियर के रूप में कच्छ में काम करता था तब तो मेरा मुख्यमंत्री का कोई सवाल ही नहीं उठता था।
लेकिन वहां सभी संत मुझे मिले तो सबसे पहले, भाई तुम्हारी खाने की क्या व्यवस्था है? मैंने कहा मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुंच जाऊंगा। नहीं, बोले तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ भोजन रहेगा, रात को देर से आओगे तो भी खाना यही खाओ। यानी मैं जब तक भूज में काम करता रहा, मेरी खाने की चिंता प्रमुख स्वामी ने संतों को कह दिया होगा, दे पीछे पड़े रहते थे मेरे। यानी इतना स्नेह, इतना। और मैं ये सारी बातें कोई आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूँ जी, मैं तो एक सहज सामान्य व्यवहार की बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जीवन के कठिन से कठिन पलों में शायद ही कोई ऐसा मौका होगा कि जब प्रमुख स्वामी ने खुद ने खो करके मुझे बुलाया ना हो या मेरे से फोन पे बात न की हो, शायद ही कोई घटना होगी।